हेलो गाइज, आप सभी का दोबारा से गवर्नमेंट जॉब्स के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों मैं बता देता हूँ, हमारे चैनल पर डेली आपको गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड छोटी छोटी बड़ी से बड़ी पोस्ट का नोटिफिकेशन डेली प्रोवाइड किया जाता है। अगर मेरा भाई और बहन कोई भी हरियाणा से बिलोंग करता है, अगर उसको हरियाणा से जुड़ी हर अपडेट टाइम टू टाइम चाहिए, तो आप हमारे गवर्नमेंट जॉब्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। क्योंकि मेरे भाई और बहन, आप सभी को पता है कि हरियाणा में डेली किसी न किसी जिले के अंदर, शहर के अंदर, गाँव के अंदर डेली डिसीरेट जॉब्स निकल कर आती हैं। अगर आपको भी डिसीरेट जॉब के ऊपर लगना है, डिसीरेट जॉब में किस टाइप से लगा जाता है, उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, किस टाइप से क्या क्या प्रोसेस होता है डिसीरेट जॉब्स का, इस टाइप की अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए, तो आप हमारे गवर्नमेंट जॉब्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। क्योंकि मेरे भाई और बहन, आपको पता है कि पिछली एक दो साल से हरियाणा सरकार ने कोई भी सरकारी नौकरी तो निकाली नहीं, उसको चलते हुए हर डिपार्टमेंट के अंदर एम्प्लॉय की जरूरत होती है। जिस भी डिपार्टमेंट के अंदर एम्प्लॉय की जरूरत होती है, वहाँ पर डिसीरेट जॉब्स के तहत न्यू भर्तियाँ आती रहती हैं। वहाँ पर जिस डिपार्टमेंट में एम्प्लॉय की जरूरत होगी, वहाँ पर कैंडिडेट तो लिए जा रहे हैं कंटिन्यू डिसीरेट जॉब्स के लिए। अगर आपको भी डिसीरेट जॉब में लगना है, तो बिल्कुल आसानी से एक महीने के अंदर अंदर मेरे भाई और बहन आप सभी लग सकते हैं। क्योंकि डिसीरेट जॉब्स के लिए आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए कि आपके जिले के अंदर कौन से विभाग में डिसीरेट जॉब चल रही है प्रजेंट के। तो अगर आपको पूरी जानकारी होती है कि इस आपके जिले में कौन से विभाग में भर्ती चल रही है डिसीरेट जॉब्स की, तो आपको बिल्कुल आसानी से डिसीरेट जॉब मिल सकती है, आप बिल्कुल आसानी से फॉर्म को भर सकते हैं। तो आपको पूरी जानकारी के लिए आप हमारे गवर्नमेंट जॉब्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस करें। आप किसी भी जिले से, किसी भी गांव से बिलोंग करते हैं, पूरे हरियाणा से, आपको किसी भी टाइप का कोई भी न्यू अपडेट्स आता रहेगा, तो आपको समय समय पर पूरी जानकारी देखने को मिलती रहेगी। साथ में मेरे भाई और बहन, परंतु आपके दिमाग में एक फितूर बना हुआ है, हरियाणा में डिसीरेट जॉब्स या तो आपको पैसे में मिलती है, या आपको वो कैंडिडेट लगवा सकते हैं जो पहले से डिसीरेट जॉब पर लगे रहते हैं। ये सारी चीजें आप सोचते हैं मेरे भाई और बहन, नहीं तो आपको वो कैंडिडेट डिसीरेट जॉब पर लगवा सकते हैं, नहीं वो आपको जो पैसे हैं वो आपको डिसीरेट जॉब दिलवा सकते हैं। क्योंकि डिसीरेट जॉब्स के लिए नहीं तो आपके पैसे काम आएंगे, नहीं वो कैंडिडेट आपको डिसीरेट जॉब दिलवा पाएंगे। क्योंकि मेरे भाई और बहन, एक महीने के अंदर अंदर आपको डिसीरेट जॉब बिल्कुल आसानी से देखने को मिल सकती है, बिल्कुल फ्री में मेरे भाई और बहन डिसीरेट जॉब मिलती है। एक महीने के अंदर अंदर अगर आप थोड़ा सा अपडेट रहते हैं, तो आपको बिल्कुल आसानी से न्यू अपडेट्स मिलते रहेंगे, और जो भी न्यू अपडेट्स आते रहेंगे उनके लिए आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए कि फॉर्म किस टाइप से भरा जाता है और क्या क्या प्रोसेस होता है। पहली बात, आपको एक भी पैसा कहीं पर पे करने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज़, अगर आप बिल्कुल आसानी से फ्री में जॉब पाना चाहते हैं, तो एक महीने तक आपको फॉर्म कंटिन्यू भरने पड़ेंगे। जो भी न्यू डिसीरेट जॉब्स आती है, आपको पता है कि बहुत ही कम मात्रा में डिसीरेट जॉब्स आती हैं, उनके लिए कितनी संख्या में लोग बाग कैंडिडेट लगे रहते हैं। अगर आपको मान के चलो डिसीरेट जॉब्स के लिए कोई भी पेपर वगैरह कुछ भी नहीं होता, ओनली डायरेक्ट मेरिट बेस पर सिलेक्शन होता है, डिसीरेट जॉब्स का इंटरव्यू बेस पर सिलेक्शन होता है, एक महीने तक आप कंटिन्यू रहते हैं मेरे भाई और बहन, अगर आपको नोटिफिकेशन कंटिन्यू मिलते रहेंगे और आप एक महीने तक कंटिन्यू फॉर्म अप्लाई करते रहते हैं किसी ना किसी विभाग के अंदर, तो आपको जरूर जरूर एक महीने में सिलेक्शन देखने को मिलेगा। क्योंकि मेरे भाई और बहन, डिसीरेट जॉब्स के लिए एक ही चीज महत्वपूर्ण होती है कि आपका कंटिन्यूटी आपको पता होना चाहिए कौन से विभाग में क्या डिसीरेट जॉब चल रही है। और आपको फॉर्म के लिए कोई भी पैसा अप्लाई नहीं करना होता, फॉर्म फीस भी 0 रुपए रहती है, एक भी पैसा नहीं लगता फॉर्म फीस के लिए भी, और किसी भी प्रकार का एक भी पैसा आपका लगना नहीं है। तो मेरे भाई और बहन, आप कंटिन्यू फॉर्म अप्लाई करते रहे, एक महीने के अंदर अंदर आपको जरूर जरूर सिलेक्शन देखने को मिलेगा, आपका पेपर वगैरह कुछ भी नहीं होता, इसलिए एक महीने के अंदर अंदर जॉब कंप्लीट हो जाती है। तो मेरे भाई और बहन, अगर आप कंटिन्यू रहते हैं, आपके जिले की पूरी नॉलेज चाहिए, पूरी जानकारी चाहिए, तो आप हमारे गवर्नमेंट जॉब्स के अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करना। साथ में वीडियो की डिस्क्रिप्शन हमारा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक प्रोवाइड कर रखा है, वहां पर हमारे ओल्ड स्टूडेंट भी ऐड है, वहां पर आप भी ऐड हो सकते हो अपनी इच्छा अनुसार। क्योंकि वहां पर एक तो डिसीरेट जॉब्स के 24 घंटे न्यू अपडेट्स देखने को मिलेंगे, किसी भी टाइम कोई भी न्यू अपडेट आएगा तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में देखने को मिलेगा। दूसरी चीज, आपको फॉर्म भरते टाइम किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या, कोई लिंक नहीं मिल रहा, साइट में प्रॉब्लम है, कुछ भी समझ में नहीं आता है, तो मेरे भाई और बहन, आप बेझिझक होकर आप हमें टेलीग्राम पर मैसेज करें, हमारी जो टीम है 24 घंटे के अंदर अंदर आपको रिप्लाई करेगी, जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी उसका डायरेक्ट आपको सॉल्यूशन बताया जाएगा। तो बिल्कुल भी किसी भी प्रकार की कोई भी, मेरा भाई और बहन पहली बार चैनल पर आए तो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका छोटा भाई इसी प्रकार से डेली न्यू अपडेट डेली अपने चैनल पर लेकर आता रहता है। पूरे हरियाणा का एकमात्र ऐसा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है जहां पर डिसीरेट जॉब्स के रिगार्डिंग पूरे हरियाणा में कहीं पर भी अगर एक पोस्ट भी आती है पूरे हरियाणा में, तो सबसे पहले सबसे फास्ट हमारे गवर्नमेंट जॉब्स के यूट्यूब चैनल पर आपको देखने को मिलेगी।
क्योंकि डिसीरेट जॉब्स का हरियाणा में पहला यूट्यूब चैनल ऐसा है, ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, पूरे हरियाणा के अंदर कहीं पर भी एक पोस्ट भी आएगा उसका सबसे पहले सबसे फास्ट सबसे स्टिक जानकारी आपको गवर्नमेंट जॉब्स के यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलती रहेगी। अगर अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। पूरी वीडियो देखने के बाद किसी प्रकार का कोई भी डाउट रह जाता है, कोई भी सस्पेंस मन में रहता है, तो आप हमें टेलीग्राम पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। ओके गाइस, तो आज की वीडियो हमारी क्या रहने वाली, हरियाणा में डिसीरेट जॉब्स आ चुकी हैं, 6035 पदों पर भर्ती होने वाली है। सबसे बड़ी भर्ती आपकी, ये बता देता हूँ आपको, जुलाई मंथ की PNB सरफ हरियाणा ग्रामीण बैंक में ये भर्ती होने वाली है। पूरे हरियाणा के स्टूडेंट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। किस टाइप से भर्ती होगी, आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, एज क्या होनी चाहिए, फॉर्म की फीस कितनी लगेगी, पूरा आपको इस वीडियो में डिटेल वाइज बताऊंगा। पूरी वीडियो देखना, पूरी वीडियो देखने के बाद किसी प्रकार का कोई भी डाउट रह जाता तो मेरे भाई और बहन आप हमें टेलीग्राम पर मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। ओके गाइज, तो मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखाते हुए पूरा डिटेल वाइज बता देता हूँ, उससे पहले आप वीडियो पर बने रहें। ओके, मेरा सभी भाई और बहन को बिल्कुल साफ साफ दिख रहा होगा ये रिक्रूटमेंट कहाँ से आया हुआ है, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सेक्शन IBPS इसके भर्ती करवाने वाला है। पोस्ट का नाम क्या रहने वाला है, कलर्क की पोस्ट पर ये भर्ती होगी। एडवर्टाइजमेंट नंबर आपका ये रहने वाला है, ये अपना नोट भी कर सकते हैं। वैकेंसियाँ इसमें कितनी रहने वाली है, 6035 इसमें टोटल वैकेंसियाँ रहने वाली है। पे की स्केल की मैं बात करूँ आपको, 29,000 रुपये इसमें अप्रोक्स सैलरी मिलने वाली है। जॉब लोकेशन आपकी ऑल इंडिया के अंदर रहने वाली है, हरियाणा के अंदर रहेगी। पहली बात मैं इसको बिल्कुल क्लियर कर दूँ आपकी जॉब लोकेशन। लास्ट डेट आपकी क्या रहने वाली है, 21 जुलाई तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। 21 जुलाई तक जो भी मेरा भाई और बहन इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहता है तो बिल्कुल आसानी से कर सकता है। ऑनलाइन आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, और कब से कब तक ये ऑनलाइन करना पड़ेगा आपको बता देता हूं। 1 जुलाई से फॉर्म स्टार्ट हो गया और 21 जुलाई तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। इसकी बैंकिंग जॉब क्या रहने वाली है, आपको कैटेगरी बता दूं, ये बैंकिंग जॉब रहने वाली है। IBPS.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर भरना होगा आपको फॉर्म। ये IBPS इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इसी वेबसाइट पर आपको जाके अपना फॉर्म है ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। 21 जुलाई तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। 21 जुलाई तक जो भी मेरे भाई और बहन इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहता है तो बिल्कुल आसानी से कर सकता है। अगर इसके अंदर मैं फीस की बात करूं, फीस आपके कितने लगने वाली है, जनरल OBC EWS इसकी लगेगी 850 रुपए इस फॉर्म की फीस। मेरे भाई और बहन सभी ध्यान से सुन लेना, क्योंकि बैंक का जो फॉर्म होता है उसकी फीस थोड़ी हाई रहती है। जनरल OBC EWS की फीस लगने वाली है 850 रुपए आपकी इसमें फीस लगेगी। इसके बाद SC ST जो कैंडिडेट होंगी उनके 175 रुपए फीस लगेगी, आपको बिल्कुल साफ साफ बता देता हूँ। जो पर्सनल डिसेबिलिटी जो पर्सन होते हैं उनकी भी 175 रुपए इसमें फीस लगने वाली है। सारी चीजें इसकी ऑनलाइन रहने वाली है। आपकी एज क्या होनी चाहिए, 20 साल से 28 साल तक के जो भी मेरे भाई और बहन इस वीडियो को देख रहे हैं सभी इसके लिए एलिजिबल हैं। 20 साल से ऊपर के जो भी मेरे भाई और बहन है सभी इसके लिए एलिजिबल है। अगर एज में किसी भाई और बहन को छूट चाहिए तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट को चेक करें। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यहां से भी आप इस चीज को चेक कर सकते हैं। IBPS.in यहां पर भी आप इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके चेक कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा, वहां से भी आप सारी चीजें रेगुलर देखते रहेंगे। तो आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, किस टाइप से क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा, आपका पूरा एक बार डिटेल वाइज बता देता हूं। आप वीडियो पर कंटिन्यू बने रहें। ओके गाइज, ये सारी चीज़ें मैंने ऊपर भी आपको बता चुका हूँ पहले भी। इसके आगे आपकी प्रीलियम जो एग्जाम होगा प्री का, वो कब से होने वाला है आपको बिल्कुल साफ साफ बता देता हूँ। 28 अगस्त से लेके 28 अगस्त को भी होगा, 3-4 सितंबर को भी एग्जाम होने वाला है। मेंस का एग्जाम आपका 8 अक्टूबर को होने वाली है। आपका जो फीस कैटेगरी है ये मैंने सारी चीज़ बता दी, आपको एज भी बता दी है। टोटल पोस्टें आपको पता है, टोटल पोस्टें आपकी कितनी रहने वाली है, 6035 इसमें टोटल पोस्टें रहने वाली है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की मैं बात करूँ, ग्रेजुएट आप पास होना चाहिए। अगर मेरी बहन कोई भी इस वीडियो को देख रही है पहली बार हमारे चैनल पर, कोई भी बहन इस वीडियो को देख रही है, तो प्लीज अभी की अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बेल आइकन को प्रेस करना, क्योंकि आपका छोटा भाई इसी प्रकार से न्यू नॉलेज डेली पूरे हरियाणा में लेकर आता रहता है। क्योंकि अगर आपको भी डिसीरेट जॉब पर लगना है, किसी भी टाइप का कोई भी न्यू अपडेट्स आते रहते हैं। मेरी बहनों के लिए इतनी अच्छी अच्छी पोस्टों पर नौकरी आती रहती है। अगर कोई भी मेरी बहन डिसीरेट जॉब पर भी नौकरी पाना चाहती है तो बिल्कुल आसानी से पा सकती है। अभी की अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करना, क्योंकि आपका छोटा भाई इसी प्रकार से डेली न्यू अपडेट्स डेली लेकर आता रहता है। कोई भी बहन अगर ग्रेजुएट पास है, BA BSc BCOM कुछ भी उसके पास क्वालिफिकेशन है, तो बिल्कुल आसानी से इस फॉर्म को अप्लाई कर सकती है। कोई भी मेरा भाई ग्रेजुएट पास है वो भी बिल्कुल आसानी से अप्लाई कर पाएगा। जिसके अंदर हाउ टू अप्लाई कैसा करना होगा, आपको ऑनलाइन सारा प्रोसेस रहने वाले है। जॉब लोकेशन आपकी ऑल इंडिया के अंदर रहने वाली है। इसके अगर मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन की बात करूं, तो आपकी हरियाणा के अंदर जॉब लोकेशन रहने वाली है। पूरा ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। IBPS.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट रहने वाली है, वहां से आपको फॉर्म भरना पड़ेगा और वहां
पर ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती रहेगी कंटिन्यू। सिलेक्शन प्रोसेस की मैं बात करूं तो आपका सिलेक्शन प्रोसेस किस टाइप से होगा, सैलरी आपको कितनी मिलने वाली है, सैलरी की आपको हमने पहले ही बता दिया था 29,000 रुपए अप्रोक्स आपको इसमें सैलरी मिलने वाली है। ज्यादा जानकारी के लिए इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन को चेक करें। सिलेक्शन प्रोसेस की हम बात करें जिसके अंदर आपको प्री एग्जाम देना पड़ेगा, मेंस देना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल एग्जाम होगा। ये सारी चीजें होने के बाद आपको इसमें फाइनल सिलेक्शन देखने को मिलेगा। अगर मेरा भाई और बहन कोई भी बैंक के अंदर जॉब पाना चाहता है तो बिल्कुल आसानी से पा सकता है। 6,035 इसमें टोटल पोस्ट आई है, कलर की पोस्टों पर भर्ती रहने वाली है। 11 बैंकों के अंदर ये जॉब आ चुके हैं मेरे भाई और बहन, आपको बिल्कुल साफ साफ बता देता हूँ। जैसे PNB हो गया, सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक हो गया, केनरा बैंक हो गया, इस टाइप के 11 बैंक है। 11 बैंकों के अंदर कलर की पोस्टों पर भर्ती होने वाली है, 6,035 टोटल पोस्टों पर भर्ती रहने वाली है। अगर किसी प्रकार की कोई भी डाउट रह जाता है तो आप हमें टेलीग्राम पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। परंतु मेरे भाई और बहन डीसी रेट जॉब्स के लिए अभी भी आपने कोई भी मेरा भाई और बहन पहली बार चैनल पर है उसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि आपका छोटा भाई इसी प्रकार से डेली न्यू अपडेट डेली लेकर आता रहता है और पूरे हरियाणा से कहीं पर से भी जो भी डीसी रेट जॉब्स आती है तो सबसे पहले सबसे फास्ट हमारे गवर्नमेंट जॉब्स के यूट्यूब चैनल पर आपको देखने को मिलेगा। साथ में अगर दिल्ली के अंदर भी ऐसे ऐसे डिपार्टमेंट बता दूंगा मेरे भाई और बहन जिसमें डायरेक्ट सिलेक्शन होते हैं, ओनली आपको फॉर्म भरना पड़ता है। फॉर्म भरने के बाद आपको दिल्ली के अंदर भी ऐसे ऐसे डिपार्टमेंट है जहां पर डायरेक्ट सिलेक्शन मिलते हैं, तो पूरे हरियाणा पूरी दिल्ली के अंदर जो भी न्यू अपडेट्स आएंगे आपको टाइम टू टाइम इसी प्रकार से देखने को मिलते रहेंगे। अगर आपके छोटे भाई की वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। अभी तक जिस भी मेरे भाई और बहन ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करना। दोस्तों मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।